का व्लॉग ट्रैवल एंड ट्रैक इन इंडिया की टीम आज आपको ले आई है नारकंडा एरिया में। ये नारकंडा एरिया जो है ये शिमला के पास है। शिमला से जब हम रामपुर शहर जाते हैं तो तकरीबन 1-1.5 घंटे की जर्नी के ऊपर एक जगह आ जाती है नारकंडा। चंडीगढ़ से हम जाएंगे तो ये सीधा रास्ता भी है, शॉर्टकट भी है वहाँ पे, और ये नारकंडा चले जाएंगे। शिमला को बाईपास करते हुए ये आ जाएगा। नारकंडा एक ऐसी जगह है जहाँ शिमला से पहले बर्फ़ पड़ जाती है। जो शिमला और बड़ोग और कसौली राजगढ़ ये तकरीबन एक ही लेवल पे हैं, लेकिन नारकंडा जो है ये हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग के ऊपर रामपुर बुशहर से पहले एक बहुत ही रमणीक टाउन है। और ये देखिए दिसंबर के महीने में कितनी सारी स्नोफॉल यहाँ पे हुई हुई है। नारकंडा में जो है वहाँ पे हिमाचल गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस भी है, वहाँ जाइए। और वहाँ पे एक हाटू टेम्पल भी है। ये देखिए अभी हम ये बर्फ़ के बीचों बीच जो है ट्रैक कर रहे हैं। बहुत सारी बर्फ़ पड़ी हुई है और हमने बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी बड़े आराम से हम चलते हैं। जब ये स्नोफॉल यहाँ पे होती है तो इतनी ठंड नहीं होती। आपने अगर अच्छे कपड़े पहने हुए, क्लोथिंग अच्छी है, आपके शू अच्छे हैं, स्नो वाले शू हैं जिनमें पानी वगैरह नहीं जाए, बर्फ़ नहीं जाए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलते चलते बॉडी वार्म हो जाती है और वार्म होने से फिर जो है ठंड भी नहीं लगती। देखिए अभी ये सीनियर एज ग्रुप में इवन लेडीज़ बड़े आराम से चल रहे हैं। थोड़ी बहुत तकलीफ़ तो बस में होगी, बिकॉज़ जब भी आप बस के ऊपर पैर रखेंगे और थोड़ा सा पैर तो दबेगा ही बस में, लेकिन धीरे धीरे ये फिर अभ्यास हो जाता है। ये देखिए पूरी पहाड़ियों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, रास्ते के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। और इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आप वैली साइड की तरफ ना जाएं, हिल साइड की बनें, बिकॉज स्नो के ऊपर स्लिप होने के चांसेस तो हमेशा बने रहते हैं। यू नेवर नो कि कब स्लिप हो जाओ। अगर आप वैली साइड में रहेंगे तो ना जाने आप कहाँ जाके गिरें। सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हिल साइड में रहें और स्टेप जो है छोटे छोटे लेने हैं, बड़े स्टेप लेने की कोशिश नहीं करनी, पेशेंस लूज नहीं करना, आराम से चलिए। ठंड का कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम चलते हैं तो बॉडी अपने आप हीट जनरेट करती है, ठंड नहीं लगती। चलते समय ठंड कभी भी नहीं लगती। ठंड तभी लगेगी अगर आप स्नो ट्रैक के दौरान आप कहीं रुक जाएंगे। जैसे ही रुकेंगे आपको एकदम ठंड लगेगी। ये देखिए अब बॉडी वार्म हो चुकी है तो जैकेट भी इवन उतर गई है। मैडम सरंगल जो हमारी टीम के मेंबर हैं, उन्होंने देखो ये चलती ये स्नोफॉल के अंदर ट्रैकिंग करते हुए जैकेट उतार दी है, क्योंकि गर्मी जो है बॉडी की अपनी हीट नहीं इतनी जनरेट हो जाती है कि ये बॉडी को वार्म करने की एक्सटर्नल जैकेट से भी जरूरत कई बार नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स ये भी एडवाइजेबल नहीं है, चलती हुई ट्रैक में जैकेट नहीं उतारनी चाहिए चाहे थोड़ी बॉडी हॉट भी हो जाए, बिकॉज ये कभी गर्म कभी ठंड लगती रहेगी वहाँ पे, और ऐसे में कई बार सर्दी बंदे को लग जाती है। ये देखिए बहुत ही रमणीक व्यू है आसपास के हिल्स का, और हाई हिल्स के ऊपर यहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। और यही जो हिंदुस्तान तिब्बत मार्ग है जहाँ जिसके ऊपर ये नारकंडा से है, आगे रामपुर बुशहर आएगा, वहाँ से सतलुज रिवर को क्रॉस किया जाता है। रामपुर बुशहर सिटी के अंदर ही शहर बिल्कुल एकदम सतलुज के किनारे के ऊपर है, और आगे उसके आगे कनौर वैली शुरू हो जाती है। कनौर के जो सेब बहुत मशहूर हैं, कल्पा वैली है, कनौर वैली है, दूसरी तरफ सरान है, और ये सारी फिर चितकूल बॉर्डर है। ये देखिए सॉरी बर्फ जो है बहुत सारी पड़ी हुई है। अब हिल साइड में हम बर्फ के ऊपर लेट के तो बर्फ में खेल रहे हैं, अच्छा लगता है। और ये देखिए ये बर्फ के ऊपर लेटने से भी इतनी कोई ठंड नहीं लगती। बर्फ जो है ये
अपने आप में एक इंसुलेशन का काम भी करती है, ये जो बर्फ पड़ी हुई है, तो इससे घबराने की जरूरत जो नहीं। ये देखिए, अब हम धीरे धीरे हाटू मंदिर की तरफ जा रहे हैं। आराम से जाओ, बातें करते जाओ, कोई जल्दी नहीं है, वीडियो बनाते जाओ। और सॉरी, और क्योंकि हिल साइड में स्नो में छोटा सा रास्ता भी बड़ा लगता है, 1 किलोमीटर का रास्ता कवर करने में स्नो में कई बार 1 घंटा लग जाता है, इसलिए पेशेंस जो है बहुत जरूरी है। तो पेशेंस के चलते चलते आप आराम से चलते जाइए। जैसे अभी मैंने बताया था कि वैली साइड नहीं जाना, लेकिन कई बार बंदे को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चल रहा है। देखिए, अब धीरे धीरे मैं वैली की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए, अभी और ट्रैकर्स हैं। इतनी सर्दी में, इतनी ठंड में, इतनी स्नो में देयर आर वेरी वेरी फ्यू ट्रैकर्स। ये ट्रैकर आए हैं, ये अभी बच्चे शायद यंग हैं, हमसे आगे निकल जाएंगे। और कोई कंपटीशन नहीं करना हिल में, स्नो में, क्योंकि रिस्क नहीं लेना, आराम से चलिए। बिकॉज ये देखिए, ये अब हमें क्रॉस कर गए हैं, और ये वैसे आगे हाटू मंदिर में फिर हमें मिलेंगे ये बच्चे। तो हमें इसकी कोई परेशानी नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट इन कंपटीशन विद देम। ऐसे किसी भी ट्रैकर के साथ कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज हर ट्रैकर की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, और उसी कैपेसिटी से वो उनका स्टेप होता है, बड़ा होता है या छोटा होता है, या स्पीड तेज होती है, या जो पैर का ग्रिप है स्नो के ऊपर, स्टोन के ऊपर, रॉक के ऊपर, वो अलग अलग होता है। जो ग्रिप है पैर का, वेट से भी डिपेंड करता है। अगर आपका वेट ओवर वेट है, ज़्यादा वेट है, तो आपको बिल्कुल जमा के पैर रखना पड़ेगा, स्नो के ऊपर भी, रॉक के ऊपर भी, चट्टान के ऊपर भी, पहाड़ के ऊपर भी, नहीं तो पैर खिसकने के जो चांस है। लेकिन जो लाइट वेट बॉडी होते हैं, यंग होते हैं, स्लिम होते हैं, उनको ये परेशानी जो है नहीं होती। अब ये देखिए, ये स्नोफॉल पहले से पड़ी हुई थी, तो हम अभी जा रहे हैं, धीरे धीरे ये हम पहुंच जाएंगे हाटू मंदिर की तरफ। जा रहे हैं हाटू मंदिर जाएंगे, और फिर वापस ऐसे जाएंगे। नारकंडा से हाटू मंदिर जाते पहले 1-1.5 किलोमीटर तो बर्फ नहीं है, लेकिन आगे जाके फिर बर्फ है। ये दिसंबर महीने का सीन है, तो ये बहुत ही रमणीक होता है। जब भी स्नोफॉल होती है तो सबसे पहले नारकंडा एरिया में होती है, उसके बाद शिमला में, कसौली में, और ये बड़ौग वगैरह में होती है। बिकॉज ये सारे जो एरिया है एक ही हाइट पे हैं। धन्यवाद।